उसमें कर्बलिनियर पी क्यू आर एस द्वारा जो पार्ट्स बन रहे हैं वो उसका एरिया जो है वो एप्रोक्स पी आर इंटू पी एस होगा पी आर इंटू पी एस होगा तो हियर पी आर जो है पी आर जो है वो आर डेल्टा बना और पीएस जो है वो हमारा डेल आर बना टैट इच एरिया जो होगा कर्वलिनियर पी क्यू आर एस का वो आर डेल थीटा डेल आर होगा अब टोटल एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जब होंगे तो इसमें दो वेरिएबल है एक थीटा है एक आर है तो दो सिग्मा लेंगे हियर सिग्मा सिग्मा आर डेल थीटा डेल आर एरिया इक्वल टू टू लिमिट डबल सिगमा आर डेल थीटा डेल आर हो गया ये जो लिमिट जब टेंस किया जीरो चेंजिंग होकर इंटीग्रेशन हो गया डबल इंटीग्रेशन आर डेल थीटा डेल आर डेट इज ए पोलर फॉर्म डेट इज ए पोलर फॉर्म किसका पोलर फॉर्म है भाई तो पोलर फॉर्म ऑफ एरिया अब ये डबल इंटीग्रेशन आर डेल आर ये आर डेल डेल आर जो वैल्यू आया ये डी एक्स डीवाई के जगह पर आया मींस हम पहले पढ़ चुके हैं कि डबल इंटीग्रेशन में डी एक्स डीवाई जो होता है एरिया को डिनोट करता है तो यहां पर डीएक्स डीवाई जो है वो कार्टिशियन फॉर्म में था इन पोलर फॉर्म में जब चेंज कर दिए तो ये फॉर्म जो है आर डेल थीटा डेल आर हो गया अब रही बात इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो कैसे बनाएंगे तो कंप्यूट द एरिया ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस ए मींस सर्किल का इक्वेशन जिसका रेडियस ए है उसका एरिया जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाले तो हियर

हाँ ए हाँ, स्क्वायर है वो छूट गया A है स्क्वायर है छूट गया हुआ है सर हाँ हाँ लिखने में छूट गया ए स्क्वायर है मतलब रेडियस उसका ए है थीटा जो है थीटा इक्वल टू जीरो वो एकस पर लाइज करेगा तो एक थीटा इक्वल टू जीरो होगा और वाई एक्सिस पर जब लाइज करेगा तो थीटा इक्वल टू पाई बाई टू होगा तो थीटा जीरो से पाई बाई टू लाइज कर रहा है रेडियाई जो है रेडियस जो है वो हमारा ऑरिजिन से एक लाइन खींचे उस कर्व तक तो ओ आर इक्वल टू वन मीन जीरो से वन है अब एरिया की बात करें तो हियर एरिया इक्वल टू थीटा इक्वल टू जीरो टू थीटा इक्वल टू पाई बाई टू एंड आर इक्वल टू जीरो टू आर इक्वल टू ए आर डी आर डी थीटा होगा अब हियर थीटा इक्वल टू जीरो तो d थीटा थीटा तो 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 का का इंटीग्रेशन होगा तो हियर इक्वल टू जीरो इंटीग्रेशन इक्वल टू जीरो और थीटा इक्वल टू पाई बाई टू डी थीटा आर डी आर का इंटीग्रेशन किए तो आर स्क्वायर बाई टू आर बराबर जीरो R A लिए, R 0, R A लिए, अब जब लिमिट तो A जब लिमिट पुट किए, तो तो थीटा रख दिए, बाहर निकाल दिएवल टू जीरो इंटीग्रेशन जो है थीटा हो गया अब वैल्यू तो डाल दिए जीरो से पाई बाई टू एरिया हो गया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब रेडियाई रेडियस आर इक्वल टू ए हो और सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर नेक्स्ट फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा निकल जाएगा पाई ए स्क्वायर हाँ फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा नेक्स्ट इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन e के पावर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स आर मीन्स रीजन वेयर आर इज द सेमी सर्कल ये किसमें एरिया निकालना है भाई कौन से रीजन में तो सेमी सर्कल

तो हमारा सर्कल जो है सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं तो सेमी सर्कल बना दिए अब इसमें रेडियाई रेडियस जो होगा वो तो आर इक्वल टू वन होगा अब इसमें x इक्वल टू आर कॉस्ट थीटा वाईक्वल टू आर साइन थीटा कंसिडर कर लिए क्योंकि पोलर फॉर्म है तो पोलर फॉर्म में जब भी इस काम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन है सर्कल का इक्वेशन है तो हम जब पोलर फॉर्म में बदलने रखते हैं तो एक्स बराबर टू आर, तो आर साइन पुट करते हैं अब इस वैल्यू को पुट किए तो हियर थीटा इक्वल टू अब ये देखेंगे थीटा कहां से कहां लाइज कर रहा, है तो, है, कर रहा है, तो है तो थीटा जो है वो एक्स एक्सिस पर लाइज कर रहा है तो यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर देख रहे हैं तो थीटा जो है वो जीरो है अब वो निगेटिव एक्स एक्सिस पर जब आए तो हम देख रहे हैं कि थीटा का वैल्यू जो है पाई है मीन जीरो से पाई तक हमारा लाइज कर रहा है कर्व तो डेट इज थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई ले लिए एंड सेकेंड इंटीग्रेशन जब करने लगे तो आर का वैल्यू जो है वो ऑरिजिन से लेकर वन तक है तो आर इक्वल टू जीरो टू वन ले लिए ई का पावर अब एक्स स्क्वायर था

डीएक्स डीवाई के जगह पर हम वैल्यू लेख सकते हैं आर डी आर डी थीटा यही तो हम कह रहे थे कि चेंजिंग हो रहा है तो हियर आर डी आर डी थीटा लिख दिए अब जो इंटीग्रेशन करेंगे आर वाले को आर के रेस्पेक्ट में मीन्स आर इंटूआर स्क्वायर डी आर आर बराबर जीरो टू वन ले लिए तो हियर आर इंटू के पावर आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन जब करने लगे तो सबस्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ा हम t इक्वल टू आर स्क्वायर ले लिए वैल्यू को पूट कर दिए। तो e का पावर आर स्क्वायर मीन्स ई के पावर t एंड आर डी आर मीन्स डी टी बाई टू तो हियर e, e के पावर t डी टी बाई टू लिमिट को हम चेंज नहीं किए लिमिट हम एजुअल रहने दिए तो e के पावर t का इंटीग्रेशन e के पावर t होगा अब टू हो गया। अब e के पावर t चूंकि लिमिट हम r के रेस्पेक्ट में रखे हुए हैं तो इसको भी हमको r के रेस्पेक्ट में चेंज करना होगा तो यहां t का वैल्यू जो है हम पुट कर दिए तो t का वैल्यू हमारे पास आर स्क्वायर था तो हियर e के पावर आर स्क्वायर बाई टू हो गया अब लिमिट हमारा आर इक्वल टू जीरो आर इक्वल टू जीरो पर तो पावर पावर वन माइनस फिर हम आर इक्वल टू जीरो पावर जीरो मीन्स वन और वन बाई टू कॉन्स्टेंट था वो बाहर कर दिए तो वन बाय टू इन टू ई माइनस वन डी थीटा ये हमारा वैल्यू आया अब इसको इंटीग्रेट हम करेंगे थीटा इक्वल टू जीरो वैल्यू तो e हो गया तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लिए इंटीग्रेट थीटा इक्वल टू इक्वल टू पाई डी थीटा लिए तो डी थीटा का इंटीग्रेशन जो है थीटा होता है अब थीटा में जीरो से पाई वैल्यू डाल दिए तो जब जीरो से पाई थीटा में वैल्यू डाले तो पाई माइनस जीरो हो गया तो हियर रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वन बटे टू ई माइनस वन इंटू पाई होगा ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा नो क्वेश्चन नो सर हेलो नो सर नो सर कैलकुलेट एरिया साइड द कार्डवाइट आर इक्वल टू टू वन प्लस कॉस्टिटा एंड आउट साइड टू द सर्कल आर बराबर टू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसके किसके बीच में लेना है भाई तो आर इक्वल टू टू तो पहले हम सर्किल बनाए एरिया विच इज इनसाइड द कार्डवाइट आर बराबर टू इंटू वन प्लस कॉस्टिटा एंड आउटसाइड द सर्कल मेन पॉइंट है आउटसाइड तो सर्कल बनाए तो सर्कल में जो पॉइंट एक एक्सिस पर है वो सर्कल का रेडियस हो गया और से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस वो हमारा टू जीरो है आर इक्वल टू टू, टू टू वन प्लस कॉस्टिटा का फिगर बनाए ये फिगर जो है वो आर इक्वल टू टू वन प्लस थीटा का बना तो आउटसाइड सर्कल के आउटसाइड एरिया निकालना है तो आउटसाइड सर्कल के और कार्डबोर्ड के क्या ये एरिया क्या आर इक्वल टू टू वन प्लस थीटा के बीच का एरिया क्या होगा तो ये जो सेडेड पोर्शन है सेडेड पोर्शन है ये हमारा एरिया होगा अब रही बात कि पोर्शन का एरिया हम कैसे निकालेंगे तो पहला हम थीटा देखेंगे कहा से कहां तक लाइज कर रहा है किस क्वार में हमारा सेडेड पोर्शन जा रहा है तो नीचे हम देख रहे हैं कि माइनस पाई बाई टू पर जा रहा है और ऊपर में पाई बाई टू पर जा रहा है तो ठीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लेंगे अब रही बात आर का वैल्यू देखेंगे तो एक लाइन ड्रॉ किए लाइन जो है वो सर्कल को भी और ये आर इक्वल टू टू इंटू वन प्लस थीटा कर्व को भी कट कर रहा है तो जो कट कर रहा है वो पॉइंट क्या है किस किस पॉइंट पर कट कर रहा है तो एक हमारा टू पॉइंट पर कट कर रहा है क्योंकि सर्कल का रेडिया रेडियस जो है वो टू है तो एक टू पॉइंट पर कट कर रहा है और एक जो है कट कर रहा है वो आर इक्वल टू टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा पर कट कर रहा है तो हमारा आर का जो सेडेड पोर्शन एरिया है आर इक्वल टू टू और आर इक्वल टू टू इंटू वन प्लस कॉस थीटा आर डी आर डी थीटा होगा अब जिसके रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है तो थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू डी लिए, आर इक्वल टू टू से आर इक्वल टू टू इंटू वन प्लस थीटा आर ले लिए, जब आर डी आर को इंटीग्रेट किए तो आर स्क्वायर बाई टू हो गया आर बराबर टू आर बराबर टू इंटू वन प्लस कॉस्टूटा वन प्लस अब हियर वन बाई टू बाहर निकाल लिए आर इक्वल टू टू इंटू वन प्लस थीटा को रख दिए आर के जगह पर तो फोर इंटू वन प्लस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आप आर के जगह पर टू रखे टू का स्क्वायर फोर हो गया डी थीटा फोर को कॉमन निकाल लिए तो टू से कट गया तो टू बाहर हो गया अब माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू आपका वन प्लस कॉस्टिटा का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर प्लस टू थीटा प्लस स्क्वायर माइनस वन अगर फोर कॉमन निकाल लिए तो माइनस वन होगा तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल रिजल्टेंट जो मिलेगा वो टू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा ही 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को तोड़ दिए तो कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू होगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है तो कॉस स्क्वायर थीटा को जब इंटीग्रेट करने की बात होगी तो 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई टू लिख सकते हैं अब ये तोड़ देंगे इंटीग्रेट अलग अलग करेंगे तो कॉस्ट थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा हो गया तो टू साइन थीटा हो गया और यहां पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू जो लिमिट लिए थे इसमें हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है इवेन फंक्शन है तो टू से मल्टीप्लाई कर दिए जीरो से पाई बाई टू ले लिए तो एरिया जो है जीरो से पाई बाई टू का ऐसे भी फिगर में भी देखें जीरो से पाई बाई टू एक्सिस पर जीरो जीरो से पाई बाई टू के बीच जो एरिया होगा उसका दुगना हम कर तो तो दिए तो फोर हो गया जीरो इसको तोड़ दिए दोनों को तोड़ के इंटीग्रेट किए तो टू कॉस्टा का इंटीग्रेशन टू साइन हुआ और डी थीटा का इंटीग्रेशन ठीठा हो गया थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा बाई टू हो गया अब इसमें लिमिट जो है थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लिए तो जब थीटा इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू की बात पाई टू रखे तो टू साइन पाई बाई टू तो टू साइन पाई बाई टू साइन पाई बाई टू का वेल्यू वन होता है तो टू इंटू वन हो गया प्लस वन बाई टू थीटा का वेल्यू यहाँ पाई बाई टू रखे तो पाई बाय टू प्लस साइन टू इंटू पाई बाय टू तो टू इंटू पाई बाय टू जब किए तो टू टू कैंसिल हो गया तो साइन पाई हो गया तो साइन पाई का वैल्यू जो है वो जीरो होता है और जब जीरो रखे तो इस सब वैल्यू जीरो हो गया तो दो वैल्यू हमारे पास सिर्फ मिला पाई बाय टू रखने पर एक वैल्यू जो है वो मिला टू और एक वैल्यू जो है वन बाई पाई बाई टू मिला और All, और दूसरे जितने भी वैल्यूज होंगे सब जीरो हो जाएगा जीरो भी रखेंगे तो सब जीरो होगा तो रिजल्टेंट जो मिलेगा रिजल्ट टू प्लस फाइव बाई फोर फोर से मल्टीप्लाई कर दिए तो एट प्लस पाई डेट इज रिक्वायर्ड आंसर ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इस तरह के क्वेश्चन हम एग्जाम में देंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब आप रिकॉर्डिंग को बंद कीजिए यस सर अब बोलिए जिनको प्रॉब्लम है वो आप प्रॉब्लम पूछें रिकॉर्डिंग